हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी टीचर सीएस मेहंदी तोशनीवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेटिंग अप का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आप चाहे ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, चाहे न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, आप दोनों के ही सारे टॉपिक्स कवर होंगे और आप दोनों ही निश्चिंत होकर इस चैप्टर को मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एट द एंड, और काफी आपको मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। लेट्स सी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट LLP की LLP क्या होता है, LLP के एडवांटेजेस क्या है, LLP के डिसएडवांटेजेस क्या है, और सबसे पहले ये जो LLP है कौन से एक्ट में आया है। LLP आया है, LLP एक्ट 2008 में आया है। क्या प्रोसीजर है अगर आपको LLP इनकॉर्पोरेट करना पड़े, तो कैसे आप LLP को इनकॉर्पोरेट करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डॉक्यूमेंट होता है, विच इज LLP अग्रीमेंट। क्या होता है LLP अग्रीमेंट, को कैसे आप लोग ड्राफ्ट करते हो, उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन करना है तो कैसे ऑल्टरेशन होगा। वैसे ही हम सारे ऑल्टरेशंस पढ़ने वाले हैं, नेम क्लॉज में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, अग्रीमेंट में, पार्टनर्स में कुछ चेंज हो रहा है तो कैसे आप ऑल्टर करोगे। लास्टली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंपाउंडिंग। तो देर किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद LLP। सबसे पहले हम देखेंगे कि LLP है क्या। तो बच्चा, LLP कुछ भी नहीं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। व्हेन आई से अबाउट, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है मतलब ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है ये, एक फ्यूजन है कंपनी का और पार्टनरशिप का। अभी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम, इतनी सारी एंटिटीज तो पहले से ही थी, इतनी सारी बिजनेस करने के लिए एंटिटीज थी, तो क्या जरूरत पड़ी LLP की, हमने क्यों LLP बनाया। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, HUF है, ज्वाइंट वेंचर है, फिर क्यों LLP आया 2008 में। रीजन क्या है, ये जो LLP है ना, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। इन्होंने क्या किया, लॉ मेकर्स ने कंपनी के और पार्टनरशिप फॉर्म के जितने भी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना, दोनों मिक्स करके क्या बनाया, LLP। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कौन से अच्छे अच्छे पॉइंट्स। तो देखो, कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स उससे अलग होते हैं, राइट। पहला हो गया। दूसरा, कंपनी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, जितना शेयर का अमाउंट आपने पे नहीं किया आप उतने के लिए ही लाइबल होंगे। तीसरा, कंपनी में होता है परपैचुअल सक्सेशन, यानी कि कोई भी लोग आए कोई भी लोग जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती ही रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही मानते हैं। पार्टनरशिप फर्म में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इस वजह से ज्यादातर लोग पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते हैं, बिकॉज बिजनेस की चीजें तो जाएगी ही जाएगी, खुद की घर की चीजें भी चली जाएगी। एंड लास्टली, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी परपैचुअल सक्सेशन नहीं होता है। दो पार्टनर्स है, दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे, एक की हो गई ये डेथ, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। पर पार्टनरशिप फर्म में एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, विच इज आजादी। और आजादी किसको नहीं पसंद है, विच मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से काम करने की आजादी होती है पार्टनरशिप फर्म में। दो पार्टनर्स है, एक राजी दूसरा राजी, दोनों को लगता है ये काम कर लेना चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंग ये काम कर लेंगे, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने के लिए। बट बच्चा, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो पार्टनरशिप फर्म का उठाया गया फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी का उठाया सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और ऐसे करके काफी सारे पॉइंट्स उठाए और दोनों पॉइंट्स को मिक्सचर करके एक नई एंटिटी बनाई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। अगर मैं बात करूं तो ये लोग ट्राई करते कंपनी के और पार्टनरशिप फर्म के अच्छे अच्छे पॉइंट्स ले ले और दोनों के डिसएडवांटेजेस को रिड्यूस करके एक नई एंटिटी बनाए, विच इज LLP। नाम देखो तो LLP का नाम भी क्या बोला है, LLP इज अ हाइब्रिड फॉर्म। और जहाँ पे हाइब्रिड मतलब ये दो बिजनेस का मिक्सचर है, कौन से दो बिजनेस का मिक्सचर है, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। अब इसे ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो LLP इंट्रोड्यूस हुआ है आपका LLP एक्ट 2008 में, एंड LLP एक हाइब्रिड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर दोनों के ही एडवांटेजेस है, कंपनी के और पार्टनरशिप फॉर्म के। अगर मैं LLP एक्ट के हिसाब से LLP की डेफिनेशन देखूं तो इतनी आसान है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। LLP मीन्स अ पार्टनरशिप, LLP मतलब एक पार्टनरशिप विच इज फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट, LLP एक्ट
2008 के अंदर। ऐसी पार्टनरशिप जो कि फॉर्म हुई है, जो कि रजिस्टर्ड हुई है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर, उसे हम बोलेंगे एलएलपी। कौन से एक्ट को गवर्न करती है? तो एलएलपी एक्ट 2008 पे गवर्न होती। सुनो ना, मेरे दिमाग में आया एक क्वेश्चन, अभी ये पार्टनरशिप हमने इसे बोला है, तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या? यस यस, पार्टनरशिप फर्म वाली के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या? तो सरासर ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज एलएलपी के लिए तो हमने एक नया एक्ट बनाया, हमने एक अलग सा एक्ट बनाया, इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे एलएलपी का। पहला है, दे आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ऑब्वियसली बात है, एलएलपी अलग है और उसके मेंबर्स यानी कि उसके पार्टनर्स अलग है। कहाँ से आया बेटा ये फीचर? ये फीचर आया है कंपनी से। एलएलपी के अंदर भी बेनिफिट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। ये जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने अग्री किया है तभी तो लोग आ रहे हैं। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती तो पार्टनरशिप ही बना देते। जब भी आप एलएलपी ओपन करोगे तो ध्यान रखोगे नाम के एंड में आना चाहिए एलएलपी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कंपनी में आता है, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड, वैसे ही एलएलपी है तो एंड में आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। एलएलपी बनाते हुए एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कौन होने चाहिए? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से भी एक पर्सन होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी का मैनेजमेंट करने के लिए। पूरा एलएलपी का मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करते हैं। तो कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से भी एक पार्टनर कौन होना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंट। अभी आ गया है आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा था कि मैम डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे मैनेजमेंट के लिए और सारे कंप्लाइंसेस के लिए। एलएलपी के अंदर भी कुछ कंप्लाइंसेस यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो कौन करेगा? कंपनी के अंदर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे ही एलएलपी के अंदर करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एक एलएलपी को एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना है, और वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए यानी कि आम आदमी होने चाहिए। तुम किसी कंपनी को या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते हो। आप जैसे काबिल इंसान को अपॉइंट करना है, आप जैसे काबिल इंडिविजुअल को अपॉइंट करना है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से भी एक इंसान कौन होना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट किसको बोलेंगे? ऐसा पर्सन जो इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर रहा है, तो मैं उसे बोलूंगी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 120 डेज और मोर रहा है इन अ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इंडिया में 120 या उससे ज्यादा दिन रहे हो तो आप कहलाओगे इंडिया के रेसिडेंट, और एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए दो डेजिग्नेटेड पार्टनर में से। नेक्स्ट हम देखेंगे एलएलपी के फायदे क्या है। तो उससे पहले मैं एक दो फायदे आपसे सुनना चाहती हूँ। पहला फायदा तो ये हो गया बच्चा कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी थी, और यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि लोग एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स देखो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग आज की डेट में किसी और फर्म में ना जाके एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो कुछ बिग फोर फर्म्स है जो काफी फेमस है, दैट बिग फोर फर्म्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ एल एल पी। तो सारी फर्म्स एल एल पी के फॉर्म में, जिसमें से हम देख सकते हैं KPMG, PwC, ENY, ये सभी किसकी फॉर्म में? एलएलपी की फॉर्म में है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना भी इजी होता है कंपनी के कंपैरिजन में। दूसरा, यहाँ पे सारे मेंबर्स, अलग अलग तरह के मेंबर्स मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये आगे वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एलएलपी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। दैट इज वाई लोग आर मूविंग टूवर्ड्स एलएलपी रादर देन ऑफ कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि एलएलपी एक ऐसा बीच का रास्ता है जिसमें आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कंपैरेटिवली टू एनी अदर एंटिटी। चलो अब बिना किसी बात के आ जाते हैं एडवांटेजेस पे कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एलएलपी के। पहला एडवांटेज है इजी टू फॉर्म। बड़ी ही आसानी से आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, कम
टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं होता है। दूसरा, लायबिलिटी जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने गलत किया है, किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, इन दैट केस वो पर्सन पर्सनली लायबल होगा, उसकी जगह कोई दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल समझो, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों ने मिलकर खोली है एलएलपी। ये जो ए है ना, इसने किया है फ्रॉड, इसकी हो गई नियत फिसल गई और इसने फ्रॉड कर दिया। तो अब अगर ए ने फ्रॉड किया है तो इसके लिए लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ए की होगी, बी लायबल नहीं होगा, ना ही ये एलएलपी लायबल होगी, बिकॉज गलत किसने किया है, ए ने किया है। तो किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया, किसी ने फ्रॉड किया, तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा, ना ही एलएलपी लायबल होगी। नेक्स्ट है परपैचुअल सक्सेशन। परपैचुअल सक्सेशन बोलता है कोई भी आओ कोई भी जाओ, एलएलपी चलती रहेगी, यानी कि पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट ही क्यों ना हो जाए, एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एलएलपी चलती रहेगी। एलएलपी को अगर आपको खत्म करना है तो आपको वाइंड अप करना पड़ेगा बाय लॉ, तभी एलएलपी की एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है, अदरवाइज एलएलपी का परपैचुअल सक्सेशन है। ना मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो एलएलपी के अंदर ढेर सारे पार्टनर्स होते हैं जो एलएलपी को ओन भी करते हैं और एलएलपी को मैनेज भी करते हैं। कंपनी के अंदर ओन करने के लिए लोग होते हैं विच इज शेयर होल्डर्स, और मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। सारे पार्टनर से मिलजुल कर ओन भी करते हैं एलएलपी को और एलएलपी को मैनेज भी करते हैं। अपना अगला है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, एलएलपी को आने में, यानी कि एलएलपी के अंदर ज्वाइन करने में और एलएलपी छोड़ने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आओ, आपकी इच्छा हो तो नहीं आओ, तो आपकी ओनरशिप इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। अगला है अपना टैक्सेशन। यस, एलएलपी को डीडीटी नहीं लगता है, विच इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। ये जो प्रॉफिट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स के हाथों में, वो टैक्सेबल नहीं होता है। एलएलपी को टैक्सेशन के केस में पार पे ट्रीट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म से, यानी कि जैसा पार्टनरशिप फर्म को टैक्सेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वैसे ही एलएलपी को भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलता है, उस केस में उनके हाथों में वो प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया है आपको, एडवांटेज हो गया। अगला है हमारा नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड। तो एलएलपी के केस में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, पर यही अगर आप कंपनी देखो तो वहां पे आपको ऑडिट कराना कंपलसरी होता है फॉर चेकिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन एलएलपी के केस में मैंडेटरीली नहीं है। आपको एलएलपी में ऑडिट कब करवाना पड़ेगा, जब आपका एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एक्सीड कर दिया है। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एलएलपी के केस में कंप्लाइंसेस कम है और कंप्लाइंसेस इजी है, तो यहाँ पे फ्यूअर कंप्लाइंसेस है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाने से ज्यादा इजी है एलएलपी को रन करना। फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट आया है पार्टनरशिप फर्म से, तो जैसा कि पार्टनर्स चाहे वो उनके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं अग्रीमेंट को, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज लिख सकते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड जैसा कि एलएलपी को फॉर्म करना इजी था, वैसे ही एलएलपी को बंद करना भी इजी है। तो एलएलपी को फॉर्म करना भी इजी और बंद करना भी इजी है कंपैरिजन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आपने बोला मैम इतने सारे एडवांटेजेस तो आपने पढ़ा दिए, अब ये बताओ हम याद कैसे करेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, आई एम योर, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत ही प्यारा सा निमोनिक, तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो बताओ बचपन में क्या पसंद था आपको? बहुत टॉफी पसंद थी ना बचपन में, टॉफी। तो यस, पहला निमोनिक आपका टॉफी। पाम सी, यस, ये आपका निमोनिक है। फॉर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, टॉफे पाम सी, टॉफी पाम सी। यहाँ पे हमारी टॉफी की स्पेलिंग अलग है, पर हमारे एडवांटेजेस तो कवर हो रहे। तो बचपन में आपको पसंद है टॉफी पाम सी। ओके, टी से क्या हो गया है आपका बच्चा? टी से हो गया हमारा टैक्सेशन। ओ से हो गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। लिख जाओ मेरे साथ साथ। ई से दो चीजें होगी, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू वाइंड अप। पी से परपैचुअल सक्सेशन।
ऐसे हो गया अपना नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, एम से मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सी से हमारा फ्यूअर कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड। ये सारा आपका निमोनिक बन गया फॉर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, और हमारे सारे एडवांटेजेस यू मुंह पे याद हो गए। बोलो मेरे संग एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी क्या है? टॉफी पाम सी। टी से हो गया है हमारा टैक्सेशन, ओ से हो गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, एफ से हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, ई से इजी टू फॉर्म एंड इजी टू वाइंड अप, पी से परपेचुअल सक्सेशन, ए से हो गया नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, एम से मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, एंड सी से फ्योर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। अरे वाह मैम मस्त काम हो गया। दूसरा है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। देखो एक सिक्के के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वैसे ही एलएलपी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हालांकि एडवांटेजेस से कम है तो मजा आ जाएगा। पहला डिसएडवांटेज है कि एलएलपी को रिस्ट्रिक्शन है कैपिटल मार्केट एक्सेस का, यानी कि ये जो एलएलपी है ये अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको बाहर से पैसा नहीं मिल सकता है थ्रू आईपीओ या फिर एफपीओ। तो पहला क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। दूसरा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी को इस तरह से डिजाइन किया गया, हो सकता है कुछ पार्टनर्स के पास ज्यादा राइट्स हो, कुछ पार्टनर्स के पास कम राइट हो, यहाँ पे वन वोट वन शेयर सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से कुछ पार्टनर्स हो सकता है कि अपने आप को कम समझे, माइनॉरिटी में समझे, तो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स वन वोट वन शेयर सिस्टम पे नहीं चलते हैं। किसी के पास ज्यादा राइट्स भी हो सकते हैं, किसी के पास कम राइट्स भी हो सकते हैं। अगला, एलएलपी को करना पड़ता है पब्लिक डिस्क्लोजर। यस, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, जैसे कि एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रजिस्ट्रार को आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अब मैं कह रही हूँ पब्लिक डिस्क्लोजर, यानी कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है आरओसी से कुछ फाइल फीस देकर, राइट? तो कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है इन डॉक्यूमेंट्स को फीस देकर, तो इस वजह से जो कॉम्पिटिटर्स है वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के। लास्टली, एलएलपी को फॉर्म करने में लिमिटेशन है, यानी कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वैसे तो बहुत बेकार सी दिक्कत है, पर पढ़ लेते। यहाँ पे बोला गया है कि एलएलपी अगर आपको फॉर्म करनी है ना, तो एक सिंगल पर्सन एलएलपी नहीं फॉर्म कर सकता। अरे हमें भी पता है पार्टनरशिप का मतलब ही दो लोग हुआ, पर यही लिमिटेशन बताई है कि अगर आपको एलएलपी फॉर्म करनी है तो एक सिंगल पर्सन एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन और एक फॉरेन नेशनल मिलके भी एलएलपी ओपन नहीं कर सकते। अगर उसे करनी है तो ध्यान रखना कि एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, सो दैट वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट कर पाए। ये तो कंपलसरी है, अगर आप एलएलपी खोल रहे हो तो एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। एलएलपी ने कुछ नॉन कंप्लायंस किया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हैं, तो जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि आपको फीस और फाइन को पे करना पड़ेगा। अब तो पेनल्टी लग सकती है अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया है। तो एग्जिट ऑप्शंस इतने इजी नहीं है एलएलपी के केस में। मान लो एक एलएलपी है जिसने फाइलिंग्स में डिफॉल्ट किया है, कुछ फाइलिंग नहीं करी, अब वो क्या कर रही है, गलती तो हो गई है, डिफॉल्ट तो हो गया है और वो बंद होना चाहती है, तो इन दैट केस आरओसी बोलता है कि भैया पहले आपके डिफॉल्ट को क्लियर करो, जो भी आपने गलतियां करी उसे सुधारो, उसके बाद आप वाइंड अप हो पाओगी, या फिर आपको कोई पेनल्टी कोई फीस देना बाकी है तो पहले वो पे करो, उसके बाद ही हम आपको वाइंड अप कर पाएंगे। तो अगर आपकी एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है, इन दैट केस आपका वाइंड अप करना इतना इजीली नहीं होगा। दीज आर ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। देखो 6 डिसएडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी में पहला बोलता है कि यहाँ पे कैपिटल मार्केट में आपका रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, किससे, कैपिटल मार्केट से। दूसरा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को किसी को ज्यादा राइट्स मिलता है, किसी को कम राइट्स मिलता है। थर्ड है आपका पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ता है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को। एलएलपी को फॉर्म करने में लिमिटेशन है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर आपने नॉन कंप्लाइंस किया है तो ऑफेंसेस और पेनल्टीज लगेगी। एंड लास्टली, कंप्लाई नहीं किया आपने, डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में एग्जिट ऑप्शन इतना इजी नहीं है। अब आपने बोला मैम जैसे कि आपने एडवांटेजेस में बताया था ना वो निमोनिक टॉफी पाम सी, वैसे आप डिसएडवांटेजेस में भी बता दो कोई। बिल्कुल जरूर बताते हैं आपको डिसएडवांटेजेस में भी। डिसएडवांटेजेस का आपका निमोनिक बन जाएगा रोपल। क्या बनेगा? रोपल, आर ओ डबल पी एल
ई, आर से हो गया रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ओ से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, पी से राइट्स ऑफ पार्टनर्स, फिर से पी से पब्लिक डिस्क्लोजर, एल से आपका क्या हो गया लिमिटेशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, एंड लास्टली एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट इजी इन केस ऑफ एलएलपी। ठीक है, ये एग्जिट ऑप्शंस इजी नहीं है और ये लिमिटेशंस इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। तो डिसएडवांटेजेस हो गया हमारा रोपल, आर से क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मेरे साथ रिपीट करो तो वापस से रिवाइज, आर से बोलता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ओ से बोलता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एक पी से बोलता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, एक और पी से बोलता है आपका पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन, एल बोलता है लिमिटेशंस इंफॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, एंड ई बोलता है एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट इजी अगर आपकी एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है। तो दीज आर ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? टॉफी पाम सी। डिसएडवांटेजेस क्या है? रोपल, RoPPLE, रोपल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रोसीजर के ऊपर, एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ एलएलपी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार्स बना दो यहाँ पे, काफी इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, और कुछ चेंज भी दिखेगा आपको, इसलिए मेरे साथ बने रहना। प्रोसीजर ये बोलता है टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग जो चाहते हैं एक बिजनेस करना, और बिजनेस भी कैसा करना चाहते हैं ना वो लोग, लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं। टू और मोर पर्सन जो चाहते हैं एक लॉफुल बिजनेस करना, किसके लिए बिजनेस करते हैं? पैसा के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। वो अपने नाम को कहाँ सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि अपने नाम को लिख देंगे एक डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को बोलती हूँ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसके साथ जाती है एक स्टेटमेंट, और पता है आपको उस स्टेटमेंट को कौन बनाता है? उस स्टेटमेंट को बनाता है या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एक एडवोकेट, और साथ ही में एक पार्टनर। और इस स्टेटमेंट में वो लोग लिखते हैं कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने कंप्लाई किया है, हमने फॉलो किया है। मतलब बेसिकली एक स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल दे रहा है, एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई हुए। इसी डिक्लेरेशन के बेसिस पे आरओसी आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आगे। तो जरूरी होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ये एक स्टेटमेंट जाना एक प्रोफेशनल का, सो देट आरओसी भरोसा रखे। तो समझ रहे हो तुम कितने भरोसेमंद इंसान हो, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो भी तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए होगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आरओसी तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। पर ध्यान रखना कोई दगाबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, अगर तुमने दोस्ती यारी में आकर या किसी और चीज में पढ़कर गलत स्टेटमेंट दे दी, फॉल्स इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट दे दी, इन दैट केस तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी और साथ में चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा आपको। तो आपको जो स्टेटमेंट देनी है वो सही देनी है। क्या बोलता है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर, फिर से नजर डाल लेते जो अपन ने देखा कि टू और मोर पर्सन जो कि बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते, वो भी लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं प्रॉफिट के लिए, वो अपने नेम को सब्सक्राइब करेंगे एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर और एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट इन चारों में से कोई भी एक पर्सन बना सकता है, विच इज एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, साथ में एक पार्टनर जिसने अपना नाम है ना यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब किया है। स्टेटमेंट के अंदर वो लिखेंगे कि सारे रूल्स रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हमने कंप्लाई किया है, दैट इज इट। उसके बाद हमारा दूसरा है विच इज कि आपके पार्टनर्स को ऑब्टेन करना है डीएससी और डिन। दिन के लिए जरूरी होता है पार्टनर को डीएससी लेना, तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे डीएससी के लिए, फिर आप अप्लाई करोगे डिन के लिए। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास डिन ऑलरेडी है, यानी कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, और अगर डायरेक्टर है तो उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इन दैट केस उसे डीपिन लेने की अलग से जरूरत नहीं है, डिन और डीपिन दोनों ही इक्वल है। अगर डिन है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास डीपिन है, ठीक है। और ये डीपिन किसे लेना है ध्यान रखना,
सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ही लेना है। एक बार आपको डिन मिला या फिर डीपिन मिला तो आपको वापस से बार बार लेने की जरूरत नहीं, रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज वंस रिसीव्ड ये वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। अभी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने डीएससी ले लिया, आपने डिन ले लिया, दूसरा हम क्या करेंगे, हमारी जो एलएलपी हमें इनकॉर्पोरेट करनी है उसका नाम रिजर्व करेंगे, अभी हम उसका नामकरण करेंगे कि क्या नाम रखेंगे। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भेजने इन फॉर्म रन एलएलपी, कौन से फॉर्म में, रन एलएलपी, रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम ऑफ एलएलपी। आप नाम है ना ई फॉर्म फिलिप फॉर्म में भी प्रपोज कर सकते हो, इन शॉर्ट आपके पास दो ऑप्शन है, आप रन में भी नाम रिजर्व करा सकते हो एलएलपी का, और साथ ही में फिलिप फॉर्म होता है जो हम एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करते हैं, उसमें भी आप नाम रिजर्व करा सकते हो। ध्यान रहे जो भी आप नाम रख रहे हो इट शुड एंड विद द वर्ड एलएलपी, लास्ट में एलएलपी होना चाहिए। जो भी नाम आप रखोगे वो सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के नाम से या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से। आपने नाम रख लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में वो नाम सिमिलर है या फिर अनडिजायरेबल है, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा ओ एलएलपी, सुनो एलएलपी, अपना नाम चेंज करो 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगा अपना नाम चेंज करने के लिए। पहले स्टेप में क्या हुआ, हम लोगों ने डीएससी और डिन ले लिया है। डिन मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, अगर आपके पास डिन है तो मान लिया जाएगा आपके पास डीपिन है। दूसरा हम लोग एलएलपी का नामकरण कराएंगे, विच इज रिजर्व कराएंगे नाम, रन एलएलपी फॉर्म में भी करा सकते हो, फिलिप फॉर्म में भी करा सकते हो। और एलएलपी के एंड में क्या होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम मिलता जुलता है नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से। सीजी को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आपका नाम सिमिलर है या फिर अनडिजायरेबल है तो वो आपको डायरेक्शन देगा एलएलपी, अपना नाम चेंज करो 3 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोग फिलिप फॉर्म फाइल करेंगे तो फिलिप फॉर्म के साथ ना ढेरों सारे अटैचमेंट्स जाते हैं। क्या क्या हम लोग अटैचमेंट्स रखेंगे फिलिप फॉर्म के साथ, पहला जाएगा पार्टनर्स की कंसेंट की सारे पार्टनर्स रेडी है। अगर पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है इन दैट केस बोर्ड रिजोल्यूशन जाएगा उनकी कंपनी का दैट दे आर रेडी टू बी अ पार्टनर। तीसरा एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो एलएलपी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो बताओ। सब्सक्राइबर शीट यानी कि कौन कितना कैपिटल ला रहा है वो बताओ, उनकी कंसेंट है या नहीं। एलएलपी की डिटेल्स या फिर कंपनी की डिटेल्स, अगर कोई पार्टनर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है या किसी और एलएलपी में भी पार्टनर है तो उसकी डिटेल्स बताओ। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए पार्टनर का और डिजिग्नेटेड पार्टनर का। एलएलपी क्या काम करने वाली है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क ओनर से आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आपका जो ई फॉर्म है फिलिप उसे एग्जामिन किया जाएगा, आरओसी को लगता है कि इसमें कुछ तो गलती है, ये डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, इन दैट केस आरओसी बोलेगा एप्लीकेंट को कि तुम इसे वापस से कंप्लीट करो, इसे वापस से सही करके मुझे रीसबमिट करो 15 डेज के अंदर अंदर। आ हाँ आरओसी कितना बढ़िया है, वो बोल रहा है कोई बात नहीं आपसे गलती हो गई है ना, सही करो और सही करके मुझे 15 डेज के अंदर अंदर वापस भेजो। 15 डेज कहाँ से, आरओसी ने आपको बताया वहां से 15 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी को वापस भेजो। अभी आपने आरओसी को फिर से फिलिप फॉर्म भेजा, आरओसी ने देखा कि वो तो फिर से सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस वो बोलेगा कोई बात नहीं हमने माफ किया, फिर से 15 डेज के अंदर अंदर भेजो। इन शॉर्ट आरओसी आपको 15 डेज प्लस 15 डेज का टाइम देता है। सब कुछ सही है तो ठीक है, आपको पैन मिल जाएगा, आपको टैन मिल जाएगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा। बधाई हो, आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई ये जो पार्टनर्स हैं मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे एक एलएलपी अग्रीमेंट, और उस एलएलपी अग्रीमेंट को आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पार्टनर ने बनाया है एक अग्रीमेंट और अग्रीमेंट 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना है आरओसी को। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एलएलपी, है ना, बड़ा आसान सा 5 पॉइंट में आपका पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। पहला हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग कैसे होती है, देखो ये एक स्टोरी की तरह समझो, दो लोग हैं जो बिजनेस करना चाह रहे, एक एलएलपी खोलना चाह रहे, एकदम कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस से यहीं पर ही मेरे साथ सुनना। ये स्टोरी क्या बोलती है, टू और मोर पर्सन जो बिजनेस करना चाहते हैं लॉफुल, ठीक है, विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो लोग एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे अपना नाम को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही में एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे बाय एनी ऑफ द फोर, इनमें से कोई भी एक इंसान से,
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर एडवोकेट से एंड अ पार्टनर से, जिसमें वो लिखेंगे सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लाई किए। दूसरे स्टेप में वो डीएससी या फिर डिन को प्रोक्यूर करेंगे, दोनों चाहिए। तो डिन के लिए आपके पास डीएससी होना जरूरी है, पहले डीएससी ले लो फिर डिन ले लो। डिन मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल्स ले सकते हैं। डिन हो गया, डीएससी हो गया, उसके बाद हम एलएलपी का नेम रिजर्व करेंगे, विच इज सेकेंड स्टेप, नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन में ध्यान रहे, आप दो फॉर्म फाइल कर सकते हो, रन से भी नाम रिजर्व करा सकते हो, दूसरा फिलिप फॉर्म से भी नेम रिजर्व करा सकते हो। एलएलपी के नेम के एंड में होना चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तुम्हारा नाम सिमिलर है, आइडेंटिकल है या फिर अनडिजायरेबल है, वो तुम्हें बोलोगे ओ एलएलपी अपना नाम चेंज करो। नाम कितने दिनों में चेंज करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। लास्ट में फिर आपको क्या करना है, एक फिलिप फॉर्म को फाइल करना है, और फिलिप फॉर्म के साथ ढेरों सारे अटैचमेंट्स जाते हैं। पहला जाएगा पार्टनर्स की कंसेंट है, पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनका बोर्ड रेजोल्यूशन, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ दो, एड्रेस प्रूफ दो, फिर आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दो, सब्सक्राइबर शीट दो, एलएलपी के जो पार्टनर्स है वो किसी और कंपनी में पार्टनर है या फिर किसी और एलएलपी में पार्टनर डायरेक्टर है तो आपको वो भी बताना है। उसके बाद एलएलपी का काम क्या है, एलएलपी का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेडमार्क ऑनर है तो उनसे एनओसी ले लो। आपने फिलिप फॉर्म सबमिट कर दिया आरओसी को, आरओसी को लगता है तुम्हारा फिलिप फॉर्म डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है तो तुम्हें बोलेगा 15 डेज के अंदर अंदर मुझे वापस से सही करके दे दो। 15 दिनों के अंदर तुमने सही करके दे दिया, फिर से डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट निकला है, आरओसी सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस वो आपको 2 बार 15 डेज देगा। पहला देगा 15 डेज, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे फिर सही नहीं है तो भी आपको 15 डेज वो फिर से देगा, उसके बाद आपको टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ सही है तो पैन टैन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, स्वाहा, आपकी एलएलपी बन गई है। एलएलपी बनने के बाद पार्टनर्स मिलकर एक एलएलपी अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। एलएलपी अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया हमने, जब से हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को आपको फाइल करना है E-Form 3, जिसके अंदर बेसिकली एलएलपी अग्रीमेंट होगा। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, विच इज अगर आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई है तो क्या फायदा मिलेगा, तो सेक्शन 14 बताता है काफी सारे फायदे। सबसे पहला चीज है एलएलपी खुद के नाम पे केस फाइल कर सकती है, कोई और उस पे केस फाइल कर सकता है, विच इज सू एंड बी सूड। तो एलएलपी के नाम पे केस फाइल हो सकता है, एलएलपी खुद से किसी और थर्ड पर्सन पे केस फाइल कर सकती है। एलएलपी कोई भी एसेट को अक्वायर कर सकता है, ओन कर सकता है, अक्वायर यानी कि परचेज कर सकता है, कोई भी एसेट का ओनर हो सकता है, उस एसेट को होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है, कुछ चेंजेस ला सकता है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो। एलएलपी को लगता है कि कॉमन सील मुझे रखनी है तो वो रख सकता है, बिकॉज कॉमन सील रखना वॉलंटरी है बेटा, कॉमन सील कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज कॉमन सील वॉलंटरी, अगर उसे लगता है तो वो रख सकता है। और एलएलपी वो सारे काम कर सकता है जो नॉर्मल एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है बट लॉफुली। अभी सारे और कौन कौन से काम कर सकता है देखो, एलएलपी किसी भी अग्रीमेंट में एंटर हो सकता है खुद के नाम पे, यस। एलएलपी लोन दे सकता है, एलएलपी कहीं से कुछ भी बोरो कर सकता है, एलएलपी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, यस, ये सारे काम एलएलपी कर सकता है, बट ये कब कर पाएगा, अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया। तो ये सारे इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन के बाद से एलएलपी कैन सू एंड बीइंग सूड, एलएलपी प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे कर सकता है, परचेज, ओन, होल्ड, डेवलप या फिर डिस्पोज, एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकता है, एलएलपी चाहे तो सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट करती है। एलएलपी अग्रीमेंट क्या है, एलएलपी अग्रीमेंट मतलब कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट, राइटिंग में एक अग्रीमेंट बना है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, और हो सकता है एलएलपी या फिर उसके पार्टनर्स के बीच में बना हो, जिसके अंदर डिसाइड होता है राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी पार्टनर्स की, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इन रिलेशन टू एलएलपी। एक बार देखते हैं कि एलएलपी अग्रीमेंट बनता कैसे, कैसे प्रिपेयर करना है एलएलपी अग्रीमेंट को। सबसे पहले आपको अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना होता है और उसे प्रिंट करना होगा स्टैम्प पेपर में, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका। नेक्स्टली क्या होगा आपका, सबसे पहले हमने अग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर लिया है, दूसरा है जो भी वैल्यू है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की, वो डिपेंड करेगी कि आप कौन से स्टेट में एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। सबसे पहले हमने अग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर लिया है और उसे प्रिंट करा दिया स्टैम्प पेपर पे। स्टैम्प पेपर की वैल्यू डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है बेटा, स्टेट पे जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दूसरा कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपने GIGL में जरूर पढ़ा होगा। थर्ड है
सारे के सारे जो भी पार्टनर्स होंगे वो साइन करेंगे अग्रीमेंट को बॉटम ऑफ ऑल पेजेस, यानी कि उस एलएलपी अग्रीमेंट के एंड में सब साइन करेंगे सारे पार्टनर्स, और दो विटनेसेस रहेंगे, वो विटनेसेस भी साइन करेंगे एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हर एक पार्टनर को एलएलपी अग्रीमेंट की एक कॉपी रिसीव होना जरूरी है। बेसिकली चार स्टेप से, सबसे पहले अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करो, अग्रीमेंट बनाओ और स्टैम्प पेपर पर उसे प्रिंट कर दो। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कितना पैसा लगा रहे हो। सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करना है सारे पेजेस पे, जो विटनेस होगा उन्हें भी एंड ऑफ द अग्रीमेंट में साइन करना है। हर एक पार्टनर को एलएलपी अग्रीमेंट की कॉपी मिल जानी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट एलएलपी अग्रीमेंट। देखते तो है इन एलएलपी अग्रीमेंट में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो ये काफी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। डेफिनेशन, डीपी, नेम ऑफ एलएलपी, चेंजेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी इन सबको याद नहीं करना है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप अग्रीमेंट में भी पढ़ी होगी, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। अभी कॉमन सेंस यूज करके मैं तुम्हें चार पांच पॉइंट्स तो ऐसे ही बता दूंगी। देखो, सबसे पहले जो होगा हमारे एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा डेफिनेशन, कि किसको क्या बोलेंगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी होगी, राइट। अभी एलएलपी अग्रीमेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फिर कॉमन सेंस लगाओ, एलएलपी का नाम, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स की डिटेल्स होगी, राइट। उसके बाद ये लिखा होगा कि कौन कितना कैपिटल ला रहा है, कौन कितना पैसा ला रहा है। अभी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एलएलपी में मीटिंग जो होगी कब होगी, कितनी बार होगी, ये भी लिखा होगा आपके एलएलपी में। एलएलपी को वाइंड अप करने के लिए क्या रूल होगा, बस इतने पॉइंट्स पे आपने देख लिए तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, नेक्स्ट ऑल्टरेशन का क्या रूल रहेगा, बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, ये सब आप लिख सकते हो। इट्स ओके, पर याद नहीं करना, एक बार रीड आउट करके चले जाना, इट्स सफिशियंट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्चुअल में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। काफी सारी डेफिनेशन दी गई, लेकिन जो डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर करी है। पहली डेफिनेशन बोलती है अबाउट स्मॉल एलएलपी। यस, स्मॉल एलएलपी वाला कॉन्सेप्ट अभी न्यूली इंसर्ट हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। स्मॉल एलएलपी मतलब क्या, छोटी छोटी एलएलपी, जैसा कि आपने स्मॉल कंपनी पढ़ा था वैसे ही स्मॉल एलएलपी है। यहाँ पे दो क्राइटेरिया पे हम लोगों ने डिसाइड किया है, पहला है हमारा कंट्रीब्यूशन और दूसरा है हमारा टर्नओवर। देखो, कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा जो कंट्रीब्यूट कर रहे पार्टनर्स, ठीक है, कितना पैसा ला रहे हैं अपनी एलएलपी में, उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो आपकी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 25 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 25 लाख होना चाहिए, एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, यानी कि मैक्सिमम 40 लाख होना चाहिए। ध्यान रहे, दोनों कंडीक्शन के बीच में बड़ा बड़ा एंड है, और जहां पर एंड आता है आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। ध्यान रहे इस बात का, एंड आता है मतलब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने, और आता है मतलब दोनों में से कोई एक। यहाँ पे स्मॉल एलएलपी वाला बोलता है कि आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। आपकी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन अगर मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का है तो वो स्मॉल एलएलपी, और साथ ही में टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख तक का है तो हम उसे स्मॉल एलएलपी मानेंगे। बेसिकली हमने क्राइटेरिया बना दिया है स्मॉल एलएलपी के लिए। एक बार डेफिनेशन पे आ जाओ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज। तो मैम ये क्या है, देखो यहाँ पे जो नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज है ना, वो लिमिट है कि ये जो 25 लाख है वो बढ़कर 5 करोड़ तक हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन अभी प्रेजेंट में लिमिट कितनी है, अभी प्रेजेंट में लिमिट है 25 लाख। आपको एग्जाम के लिए, आपको क्वेश्चंस के लिए क्या ध्यान रखना है, 25 लाख वाली लिमिट। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस लिमिट को कभी भी इंक्रीज करके मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, 5 करोड़ तक इंक्रीज कर सकते हैं। सेम गोज विथ हमारा टर्नओवर। टर्नओवर भी बोला गया है अभी के डेट में, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे भी सीजी चाहे तो उस अमाउंट को एक्सीड करके बढ़ा कर कितना ला सकती है, बच्चा 40 लाख से बढ़ा कर ला सकती है हमारे लिए 50 करोड़ रुपीज। लेकिन क्या 50 करोड़ रेलिवेंट है, जी नहीं, 50 करोड़ रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। तो स्मॉल एलएलपी में दो चीजें देखनी है, विच इज सी और टी।
कॉन्ट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड, कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 लाख रुपए तक, एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 लैक्स तक। 25 लाख बढ़कर कितना हो सकता है, 5 करोड़, और 40 लाख बढ़कर 50 करोड़ हो सकता है। चलो अभी एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं तुम लोगों को। अगर एक LLP है, LLP का नाम बता दो यार। LLP का नाम है जोरदार LLP, राइट, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 22 लैक्स, टर्न ओवर है 42 लैक्स, एक और LLP जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख, टर्न ओवर है 32 लाख। अभी बताओ ये जो पहला केस है, क्या वो स्मॉल LLP है? तो आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए स्मॉल LLP की डेफिनेशन की कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख तक का होना चाहिए, टर्न ओवर 40 लैक्स तक का होना चाहिए, दोनों कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो है 25 लाख तक का, ओके टिक मार्क, लेकिन टर्न ओवर तो 40 लैक्स से ज्यादा है, इन दैट केस ये स्मॉल LLP नहीं है। दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लैक्स और टर्न ओवर 32 लैक्स, इसका आंसर मुझे बताओ। अगर जो बच्चे सोच रहे कि ये स्मॉल LLP नहीं है तो वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख तक हो सकता है, यहाँ पे 25 लाख है, इट्स ओके। टर्न ओवर 40 लाख, 40 लाख से कम ही है, 32 लाख, मतलब ये स्मॉल LLP कंसिडर करी जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन इजिली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए लिमिट्स याद होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन क्लियर है हमारी। दूसरी डेफिनेशन अबाउट द पार्टनर्स, कि LLP में पार्टनर कौन और कौन पार्टनर बन सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट LLP में पार्टनर बन सकती है। यस, इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आया हमारा ट्विस्ट, ऐसा इंडिविजुअल आपकी LLP में पार्टनर नहीं बन सकता अगर वो पगला गया है दिमाग से, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो फिर वो नहीं बन सकता। दूसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। थर्ड, उसे अप्लाई किया है एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन होता है बेटा जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा है और जिसके असेट्स कम है, वो रीपे नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपका ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर है जो कि एक अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, या फिर अप्लाई किया एज एन इंसॉल्वेंट, वो जो पर्सन होगा वो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्या केसेस है? अनसाउंड माइंड का यानी कि पगला गया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर वो अप्लाई किया है एज एन इंसॉल्वेंट, वो पार्टनर नहीं बन सकता। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं, बट ऐसा पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है जो अनसाउंड माइंड का है, जो इंसॉल्वेंट है, या फिर एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट है। अभी पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए, तो LLP में मिनिमम टू पार्टनर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम के लिए तो अरे वाह कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, अनंत सार पार्टनर्स आओ LLP में। तो मिनिमम टू पार्टनर्स मैक्सिमम के लिए लिमिट नहीं है। लेकिन अगर किसी भी टाइम ये दो से लोग कम हो जाते हैं और कम होकर सिर्फ एक हो जाता है, तो इस अकेले पार्टनर के पास समय है 6 मंथ्स का, कि जाओ जाकर एक और पार्टनर को ढूंढो। और अगर तुम 6 महीने में किसी पार्टनर को ढूंढते नहीं हो, 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, तुम अकेले बिजनेस चला रहे हो, इन दैट केस जो भी लाइबिलिटी होगी उसके लिए ये अकेला पार्टनर पर्सनली लाइबल होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी हो जाएगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, LLP में कम से कम दो पार्टनर्स तो होने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्टनर रह जाए। लेट्स अज्यूम कि एक LLP में 4 पार्टनर थे, उसमें से 3 की हो चुकी है डेथ, तो अभी एक ही पार्टनर अकेला बचा। तो इस एक पार्टनर को बोला गया है कि आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पार्टनर को ढूंढना है और उसको एडमिट करना है LLP में। 6 महीने का टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, कोई पार्टनर नहीं मिलता है, वो अकेला पार्टनर ही LLP चला रहा है, तो वो पर्सनली लाइबल होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसको तो हम LLP मानेंगे ही ना, एक अकेला LLP कैसे चला सकता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्टार बना दो।
चलो तुम्हारे साथ इसको भी मैं रीड करवा देती हूँ। इफ एट एनी टाइम किसी भी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है एलएलपी के दे आर रिड्यूस्ड बिलो टू, यानी कि दो से कम हो जाते हैं और एलएलपी का बिजनेस वो आराम से चला रहे हैं मोर देन 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 6 महीने से ज्यादा के लिए, इन दैट केस जो भी पर्सन वहाँ पे ओनली पार्टनर था, जो भी अकेला पार्टनर था, आफ्टर दो 6 मंथ्स के लिए जो भी लाइबिलिटीज होगी वो पर्सन पर्सनली लाइबल। अभी हम लोग पढ़ेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अरे मैम ये तो आपने पढ़ाया हुआ है। यस पढ़ाया हुआ है, एक बार रिकॉल कर लो। और कुछ पॉइंट्स नए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर जो एलएलपी को पूरा संभालते हैं, एलएलपी को मैनेज करते हैं। एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिसमें से भी एक कैसा होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 days और मोर रहा है, जो इंडिया में कितने दिन रहा है 120 days या उससे ज्यादा, उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि पार्टनर जो है ना कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, राइट? तो ये एक एलएलपी है जिसमें इंडिविजुअल बनना चाहते हैं पार्टनर तो वो बन जाएंगे, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी एलएलपी चाहे तो वो भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। लेकिन सवाल आया कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट की सारी एलएलपी का पार्टनर बन जाएगी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेंगे? और हमने देखा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, आप जैसे आम इंसान होने चाहिए। और अगर एलएलपी में सभी लोग बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? तो ध्यान रहे बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी उनकी नॉमिनी एक्ट करेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। केस ये भी आ सकता है ना कि एक एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों ही पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में। इसलिए अगर सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट है, इन दैट केस उनके नॉमिनी जो होंगे दे विल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो दो नॉमिनीज हम लोग मानेंगे और वो लोग एक्ट करेंगे एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर? चलो देखते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या। तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हर चीज के लिए, एलएलपी में जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी मैटर्स हो रहे हैं कंप्लाइंस से रिलेटेड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कुछ गलत हुआ है तो पेनल्टी सबसे पहले किस पे इम्पोज होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे इम्पोज होगी, क्योंकि मैनेजमेंट का सारा काम तो यही करते हैं। जैसे कंपनी में देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वैसे ही एलएलपी में देखा जाए तो डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम ये लास्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट की। हमने देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कौन, क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी। यस बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, जो कि डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 में, और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अंदर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इस एक्ट के अंदर है, ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। तो मैं देखूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऑल एंड ऑल चार चीजें आती हैं, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, राइट? ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ऐसी एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर यानी कि अंडर एलएलपी एक्ट, और ऐसी एलएलपी जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उन्हें हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर चार चीजें आती हैं, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है इस एक्ट यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर, ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई, इन चारों को ही हम मानते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। पर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तीन चीजें नहीं आती है, कौन सी तीन चीजों को हमने हटाया है? पहली चीज है आपकी कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड थर्ड कोई और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सीजी, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सीजी ने नोटिफाई किया है कि इसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो तीन नहीं आएंगे। देखो कॉर्पोरेशन सोल मतलब क्या होता है, पहले के टाइम में ना किंग्स क्वींस होते थे, एम्परर्स एम्प्रेसेस होते थे, तो उधर बोला गया है वो किंग और क्वीन की पोजीशन में अलग है, और जब वो नॉर्मल ह्यूमन बींगी तो उसकी पोजीशन में अलग है, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल।
कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम सभी को पता है अमूल वगैरह सारे लोग मिलजुल कर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं फॉर सेल्फ हेल्प, और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इन तीनों को ही आप इंक्लूड नहीं करोगे इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये चार चीजें आएगी। दिस इज ऑल अबाउट आर डेफिनेशन पोर्शन। पोजिशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि कब एक नॉर्मल पर्सन पार्टनर नहीं रहेगा, कब वो सीज हो जाएगा, यानी कि उसका पार्टनरशिप का जो टेन्योर है वो एंड कब हो जाएगा। इन दैट केस एक पर्सन एलएलपी का पार्टनर नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाती है, एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है, वो पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तीन तो पार्टनर से रिलेटेड ही है आपके। देखो कि पार्टनर को क्या हुआ है, ये जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है, या फिर पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट। एक और एलएलपी से रिलेटेड है कि एलएलपी तुम्हारी डिसॉल्व हो गई, एलएलपी बंद हो गई है, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट आपका सीज हो जाएगा या फिर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। अभी मैंने बताया कि एलएलपी में तो परपेचुअल सक्सेशन रहता है, एलएलपी तो वही रहेगी, पार्टनर आ सकता है, पार्टनर जा सकता है, उसके आने जाने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई नया पर्सन आपकी एलएलपी में पार्टनर बनता है, या फिर कोई पार्टनर था अभी छोड़ के जा रहा है, तो एलएलपी को इंटीमेट करना होता है। एलएलपी किसको इंटीमेट करेगा? एलएलपी इंटीमेट करने का अपने पप्पा को। और एलएलपी का पप्पा कौन? आरओसी। एलएलपी इंटीमेट करेगा आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर। अगर कोई पार्टनर आया है एलएलपी में नया, तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, या फिर कोई पुराना पार्टनर जा रहा है तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना है। अगर पार्टनर के नाम के अंदर, पार्टनर के एड्रेस के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, तो भी एलएलपी को किसको बताना? अपने पप्पा को बताना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। कुछ भी हो रहा है ना नया, तो एलएलपी बहुत अच्छा बच्चा है, जाके बताएगा आरओसी को। तो नया पार्टनर आ रहा है या फिर पुराना पार्टनर जा रहा है, दोनों ही केसेस में आप आरओसी को बताओगे 30 डेज के अंदर अंदर। पार्टनर के नाम में, पार्टनर के एड्रेस में कुछ भी चेंज हो रहा है, तो भी आप आरओसी को बताओगे 30 डेज के अंदर अंदर, जहां से चेंज हो रहा है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख ले अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई पर्सन है, अगर एक पार्टनर ऐसा है जिसकी नीयत खराब होगी, उसकी नीयत फिसल गई, उसने गलत काम करा, उसने फ्रॉड किया है, इन दैट केस बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो लायबल नहीं होंगे, ये अकेला पार्टनर ही लायबल होगा, और वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि वो पर्सनली लायबल होगा, उसके खुद का घर चला जाएगा, गाड़ी, बंगला, पैसा सब चला जाएगा, बिकॉज वो पर्सनली लायबल होगा और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी सारे डेट्स के लिए। अगर उसने कुछ फ्रॉडुलेंट पर्पस किया है, मिसकंडक्ट किया है, या क्रेडिटर्स को धोखा दिया, कुछ डिफ्रॉड किया है, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ऑल्टरेशन टू द एलएलपी अग्रीमेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑल्टरेशन के ऊपर। किसी भी अग्रीमेंट में, यानी कि हमारे एलएलपी अग्रीमेंट में आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे, कैसे ऑल्टर करोगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक रेजोल्यूशन पास करना है कि हम एलएलपी अग्रीमेंट में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन जैसे ही पास किया, आरओसी को फॉर्म 3 फाइल करो। मैम, ये फॉर्म 3 तो दिखा दिखा लग रहा है। यस, फॉर्म 3 हमने पढ़ा था, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में हमने पढ़ा था, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करना है ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 3 किसके लिए था? एलएलपी अग्रीमेंट के लिए था। याद करा करो साथ साथ, तो पहले का भी याद रहेगा, कुछ भूलोगे नहीं। तो वैसे ही ऑल्टरेशन टू द एलएलपी अग्रीमेंट में सबसे पहले हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम एलएलपी में चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरा, हमको आरओसी को फॉर्म 3 फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ द अमेंडमेंट, यानी कि अग्रीमेंट में जो चेंज हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को फाइल करना है फॉर्म 3, और फॉर्म 3 के साथ अटैचमेंट किया जाएंगे इनिशियल एलएलपी अग्रीमेंट, यानी कि पहले क्या एलएलपी अग्रीमेंट था, दूसरा ऑल्टर्ड अग्रीमेंट, अभी आपने क्या चेंज किया वो वाला अग्रीमेंट, और ऑप्शनल अटैचमेंट कुछ है, तो बेसिकली ये दो अटैचमेंट जाते हैं, पहले वाला एलएलपी अग्रीमेंट और अभी वाला ऑल्टर्ड अग्रीमेंट। इससे सिंपल प्रोसेस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ, दूसरा आपने फाइल किया फॉर्म 3, किसको फाइल करो? आरओसी को, ठीक है। इसके साथ क्या जाएगा? इनिशियल वाला एलएलपी अग्रीमेंट प्लस एक और क्या जाएगा, अभी ऑल्टर्ड वाला
बी अग्रीमेंट। और ये जो फॉर्म 3 आप आरओसी को फाइल करोगे वो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है ऑल्टरेशन से। ये है आपका एलएलपी अग्रीमेंट का ऑल्टरेशन। दूसरा, चेंज इन पार्टनर या फिर चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये भी हो सकता है कि पार्टनर में कुछ चेंज हो गया हो, अभी ए पार्टनर था, अभी ए जा रहा है, ए की जगह डी पार्टनर आ रहा है, तो पार्टनर में चेंज हुआ है। तो कैसे आप अग्रीमेंट में चेंज करोगे? पार्टनर में चेंज हो रहा है तो अग्रीमेंट में भी चेंज होगा। ओके, तो अगर चेंज हो रहा है एलएलपी अग्रीमेंट में बिकॉज पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है, इन दैट केस आप फॉर्म 4 तो फाइल करते हो पार्टनर के चेंज के लिए, पर फॉर्म 4 के साथ एक और कौन सा फॉर्म जाएगा फिर? एलएलपी अग्रीमेंट वाला फॉर्म, विच इज फॉर्म 3 जाएगा। बिकॉज देखो, अगर पार्टनर आपका चेंज हो रहा है ना, तो पार्टनर के चेंज की वजह से आपको एलएलपी अग्रीमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने बताया था एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टनर, कौन पार्टनर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, रिटायरमेंट और रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा। वैसे ही अगर पार्टनर या डीपी में कोई भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम लोग एलएलपी अग्रीमेंट में चेंज कर रहे हैं, तो हम आरओसी को फॉर्म 4 तो फाइल करेंगे, साथ में फॉर्म 3 भी फाइल करेंगे। फॉर्म 4 के साथ क्या अटैचमेंट्स जाएंगे? पहला जाएगा कंसेंट ऑफ पार्टनर। कंसेंट ऑफ पार्टनर मीन्स ही इज रेडी टू एडमिट इन टू आर एलएलपी, वो आने के लिए रेडी है। दूसरा, एविडेंस ऑफ सीजेशन, जो दूसरा पार्टनर जा रहा है उसका एविडेंस कि वो जा रहा है, उसका डिक्लेरेशन, एफिडेविट अगर कुछ चेंज होता है नाम वगैरह में। तो अगर कोई पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपनी है, क्या कंपनी हो सकता है? बिल्कुल कंपनी भी पार्टनर हो सकती है। तो रिजोल्यूशन पास किया हुआ उसकी कॉपी चाहिए कि ये जो कंपनी है हमारी एलएलपी में पार्टनर बनना चाहती है। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन जिसमें आप बताओगे नेम और एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल जिसको आप नॉमिनी या फिर रिप्रेजेंटेटिव की तरह रखना चाहते हो। ये फॉर्म 4 के साथ कुछ अटैचमेंट्स चाहिए, और हम फॉर्म 4 फाइल कर देंगे आरओसी को विथ फॉर्म 3। कुछ अटैचमेंट्स भी जाएंगे, पार्टनर का कंसेंट, जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसका एविडेंस प्रूफ चाहिए, एफिडेविट चाहिए अगर नाम में चेंज हुआ है तो। अगर कोई पार्टनर जो आ रहा है वो कंपनी है तो रिजोल्यूशन की कॉपी भी चाहिए। साथ ही में आपको रिजोल्यूशन की कॉपी चाहिए किस चीज के, कौन नॉमिनी होगा पार्टनर का इन केस ऑफ डेथ। ये सारे अटैचमेंट जाएंगे आरओसी के पास एंड आरओसी विल मेक अ नोट ऑफ इट। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल्टरेशन इन एलएलपी अग्रीमेंट कैसे होगा, चेंज इन पार्टनर कैसे होगा, अभी हम लोग देख रहे हैं चेंज इन नेम। यस, एलएलपी का नाम चेंज करना है तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भेजनी है फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, 6 नाम के साथ। यस, 6 नेम्स के साथ साथ आपको एप्लीकेशन भेजनी है। ये 6 नेम है ना प्रायोरिटी पे जाते हैं। आप सबसे पहला नाम कौन सा रखना चाहते हो वो फर्स्ट जाएगा, देन सेकंड, देन 3, 4, 5 और 6। तो 6 नाम के साथ आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, मैक्सिमम आप 6 नाम ही भेज सकते हो। उस नेम चेंज के एप्लीकेशन के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी पार्टनर्स को सबमिट करने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि सारे पार्टनर्स रेडी हैं नेम चेंज करने के लिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग एलएलपी अग्रीमेंट की कॉपी, एंड थर्ड, ट्रेडमार्क की कॉपी या फिर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तीनों चीज़ आपकी जाएगी अगर आप नेम चेंज की एप्लीकेशन भेज रहे हो। सबसे पहले ध्यान रखना एप्लीकेशन के साथ आप मैक्सिमम 6 नेम प्रेफरेंसेज भेज सकते हो। उसके साथ 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग एलएलपी अग्रीमेंट एंड लास्टली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर ट्रेडमार्क की कॉपी। अगर आपका सजेस्टेड नेम अप्रूव हो जाता है तो आपको फॉर्म फाइल करना है फॉर्म LLP 5, और आप लोग इंटीमेट करोगे आरओसी को। मैंने बोला था जैसे ही एलएलपी में कुछ भी चेंज होता है एलएलपी जाके बताएगा अपने पप्पा को कि मेरा नाम चेंज हो गया है, तो कौन से फॉर्म में बताएगा? फॉर्म LLP 5 में। आरओसी को इंटीमेट करेगा एलएलपी 30 डेज के अंदर अंदर। आरओसी देखेगा एप्लीकेशन को, कंसीडर करेगा और अप्रूव भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है नेम चेंज। अगर नाम अप्रूव हो जाता है आरओसी की तरफ से भी, इन दैट केस आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा जिसमें नया नाम मेंशन होगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था बच्चा, हमने एप्लीकेशन भेजी नेम चेंज की, एमसीए की वेबसाइट पर भेजी। 6 नेम प्रेफरेंसेस आप मैक्सिमम भेज सकते हो। नेम चेंज की एप्लीकेशन के साथ 3 चीजें जाती, पहला कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एलएलपी अग्रीमेंट एंड ट्रेडमार्क कॉपी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर नाम अप्रूव हो जाते हैं एमसीए की तरफ से तो एलएलपी इंटीमेट करेगी आरओसी को फॉर्म LLP 5 में, कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। आरओसी सारी चीजें देखेगा, उसके बाद वो अप्रूव भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। अगर वो अप्रूव कर देता है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू करेगा विथ न्यू नेम, और आपकी एलएलपी का नाम बदल चुका है।
नेक्स्ट हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसा कि आई हैव टोल्ड यू कि हर एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जिसका एड्रेस आप मेंशन करते हो एलएलपी एग्रीमेंट में। अभी आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में आप इंटीमेट करोगे, किसको इंटीमेट करोगे, आरओसी को इंटीमेट करोगे, किस फॉर्म में, फॉर्म 15 में, विद इन द 30 डेज ऑफ चेंज। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना है आरओसी को कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। कौन से फॉर्म में, फॉर्म 15 में। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पहला प्रूफ कि आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, दूसरा कंसेंट लेटर चाहिए मुझे सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर से, सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर से, और कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि चाहिए। बेसिक सी बात है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पहले कहीं और था जहाँ पे आपके सारे नोटिस, सारे इंटीमेशन आते थे। अभी आपकी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज हो रहा है तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। तो आप आरओसी को बताओगे जब से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर हम लोग आरओसी को बताएंगे। कौन से फॉर्म में, फॉर्म 15 में। याद रखना 30 डेज अगर याद है तो 30 का हाफ 15। इस फॉर्म में आप लोग बताओगे फॉर्म 15 में। फॉर्म 15 के साथ जाएगा प्रूफ ऑफ चेंज एड्रेस, कंसेंट लेटर जाएगा डिजिग्नेटेड पार्टनर से और सिक्योर्ड क्रेडिटर से। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी जाएगा। ये सिंपल सा था शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसके अंदर हम देखेंगे अगर एक ही स्टेट में तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, आगे देखते हैं। हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे जब रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। पहले केस में सेम स्टेट में शिफ्ट हो रहा है और सेम ही आरओसी के जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट हो रहा है। लेट्स अज्यूम वो राजस्थान का, राजस्थान में ही कहीं और शिफ्ट हो रहा है, हो सकता है उसकी सिटी चेंज हो रही हो पर आरओसी का जुरिस्डिक्शन सेम है। दूसरे में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, ध्यान रखना आप सेम स्टेट में हो बट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरा है। एंड लास्ट में तो हम लोगों का स्टेट ही पूरा चेंज हो रहा है। अगर मैं कंसिडर करूँ तो इट्स गुजरात से डायरेक्ट वो मध्य प्रदेश से आ रहे, तो यहाँ पे आपका स्टेट ही चेंज हो रहा है। तो क्या क्या चीजें की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो चेकलिस्ट है। सबसे पहला तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कोई सा भी केस हो सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। दूसरा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट तब चाहिए होगी अगर आप शिफ्ट कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी जगह, दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो तो क्रेडिटर्स की कंसेंट चाहिए, वरना क्रेडिटर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है दोनों केसेस में। साथ ही में एक फॉर्म जाता है फॉर्म 15। अभी मैंने आपको बताया था इस अटैचमेंट में कि जब भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा फॉर्म 15 फाइल करोगे आरओसी के पास। तो ये फॉर्म 15 आपको तीनों ही केसेस में फाइल करना है आरओसी को। और फॉर्म 15 कितने दिनों में जाता है, 15 का जस्ट डबल कर लो, विच इज फॉर्म 15 जाता है 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन। तीनों ही केस में 30 डेज के अंदर अंदर जाएगा। पब्लिक नोटिस, तो पब्लिक नोटिस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पब्लिक नोटिस कब चाहिए, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट भी आपको तभी चाहिए जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, वैसे ही पब्लिक नोटिस भी तभी चाहिए जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है। अदरवाइज दोनों केसेस में पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। मैं सारे केसेस बता देती हूँ। पहला था कि हर एक पार्टनर की आपको कंसेंट चाहिए, तीनों केसेस में कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट और पब्लिकेशन ऑफ नोटिस सिर्फ तभी चाहिए होगा जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ध्यान रखना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट और पब्लिक नोटिस तभी चाहिए जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। फॉर्म 15 तो आपको फाइल करना ही है आरओसी को, कितने दिनों में फाइल करना है, जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म 15 फाइल करना है। बहुत ही इजी है, टेबल को देख रहे हैं कि घबराने की जरूरत ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो समझ आ गया, 5 पॉइंट्स यू याद हो गए। पहला पॉइंट बोलते हैं सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए तीनों केसेस में, दूसरा बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट चाहिए और पब्लिक नोटिस आपको इश्यू करना है तब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका आरओसी शिफ्ट हो रहा है। फॉर्म 15 तीनों केसेस में फाइल करना है, कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर, दैट्स इट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एनुअल फॉर्म्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि इसको कुछ एनुअल फॉर्म्स को फाइल करना पड़ता है। पहला फॉर्म है हमारा फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। यस, एनुअल रिटर्न को आपको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 11 में।
एनुअल रिटर्न में कितने दिनों में आपको फाइल करना है, तो जब से आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ऑन और बिफोर 30th में? फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31st ऑफ मार्च को। वहां से 60 डेज गिनो अप्रैल और मई, तो ऑन और बिफोर 30 मई, या तो 30 मई को या उससे पहले आपको फाइल करना है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का फॉर्म है फॉर्म 11। कब फाइल करना है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो, अगर आपकी LLP ऐसी है जिसका टर्न ओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है, क्या केसेस है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 50 लाख से ज्यादा है, या फिर आपकी LLP का टर्न ओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इन दोनों ही केसेस में आपके एनुअल रिटर्न में एक सर्टिफिकेट जाएगा विच इज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। यस, तुम लोग एक सर्टिफिकेट मेंशन करके दोगे, एक सर्टिफिकेट अकंपनीड जाएगा LLP के एनुअल रिटर्न के साथ बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कब जाएगा? अगर आपकी LLP का कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर एक्सीड करता है, कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें साथ में जाएगा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट। ओके, एनुअल रिटर्न फाइल कब करनी, ये समझ गया कि एनुअल रिटर्न को फॉर्म 11 में फाइल करना है 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर्टिफिकेट जाएगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से अगर आपकी LLP का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, देन इन दैट केस सर्टिफिकेट जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे और है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा कौन सा फॉर्म है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी। यस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी क्या बोलता है कि हर एक LLP को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखना है डबल एंट्री सिस्टम में, और उसे एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी हर साल बनानी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में बनानी पड़ेगी? विच इज फॉर्म 8 में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी बनानी है, और ROC के पास फाइल भी करनी है। ROC के पास फाइल करनी ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर। सी, यू हैव टू लर्न द डेट्स, देयर इज नो ऑप्शन, और डेट्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था हमारा एनुअल रिटर्न के केस में? एनुअल रिटर्न का फॉर्म है फॉर्म 11। मैं ये कर सकती हूँ, मैं बार बार बोलूंगी सो देट आप भी मेरे साथ रिपीट करो और आपको ज्यादा याद होगा। एनुअल रिटर्न का है फॉर्म 11, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का, जिसे हम कह सकते हैं सेस। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में क्या था हमारा? फॉर्म 8। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का हो गया, हमारा एनुअल रिटर्न का फॉर्म हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे डेट क्या है। तो एनुअल रिटर्न में क्या था? विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज ऑन और बिफोर 30th में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी में क्या है? ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर। एवरी ईयर आपको ROC के पास फाइल करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी है, इनकी भी ऑडिट कराना कंपलसरी होगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, विच इज अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 25 लैक्स और टर्नओवर एक्सीड करता है 40 लैक्स, इन दैट केस आपको करवाना पड़ेगा ऑडिट आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी को। सबसे पहले हमने देखा कि हर एक LLP को कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी मेंटेन करनी हर साल जो 31st मार्च को खत्म हो रहा है। फॉर्म 8 के अंदर आपको फाइल करना है ROC को ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर, और इसे ऑडिट कराना पड़ेगा दो कंडीशन से, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है मोर देन 25 लैक्स है और टर्नओवर मोर देन 40 लैक्स है। तो एनुअल रिटर्न में क्या था अपना? 50 लैक्स और 5 करोड़, यहाँ पे आपका है 25 लैक्स और 40 लैक्स, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न। यस, हर एक LLP को जो उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31st मार्च एवरी ईयर को, एज पर इनकम टैक्स उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। इट इज कंपल्सरी, उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव आपका एनुअल टर्नओवर कुछ भी हो, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। सी, हम लोगों ने 3 तरह के एनुअल फाइलिंग्स पड़ी है, तीनों का मैं कंपैरिजन दे देती हूँ, जिसमें से इंपॉर्टेंट एनुअल रिटर्न है हमारा और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। एनुअल रिटर्न में हमने पढ़ा कि एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में जाता है? फॉर्म 11। इधर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जाता है फॉर्म 8 में, राइट। फिर हमने पढ़ा कब फाइल करना है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मैं कह सकती हूँ ऑन और बिफोर
30th में, बट एग्जाम में आपको पूरा लिखना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी को मैं कह सकती हूँ ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर। ओके, ये जो होगा इसमें आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 50 लाख से, या फिर टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से। यहाँ पे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 25 लाख से, या फिर टर्नओवर एक्सीड करता है 40 लाख से। बस इतना सा है तुम्हारा एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। इस तरह से स्क्रिबल करते जाओ जो भी होता है ना, जो भी इतना सब कुछ तुमने पढ़ा है, पेन पेंसिल हाथ में लिया करो और नोट्स के बाजू में लिख दो। एग्जाम के 1 डे पहले इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि तुम पूरा पूरा पढ़ो। मेन मेन की पॉइंट्स हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे इतना तो भरोसा है तुम लोगों पे, तुम सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे ना, दैट एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड इन फॉर्म 11। इतना लिख देंगे, एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज ऑन और बिफोर 30th में। एनुअल रिटर्न शुड बी सर्टिफाइड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन और टर्न ओवर इतना एक्सीड करता है। सिर्फ इतना ही आपको सेंटेंस फॉर्म करना है बच्चा, बाकी सब आपको बस एक तू तू सा याद करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी हमने पढ़ा कि हर एक LLP को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी आपको बनाना है, इररिस्पेक्टिव आपका टर्न ओवर कुछ भी होगा। एक केस स्टडी आई थी एनुअल रिटर्न पे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी पे, विच इज एक LLP है, वो LLP लॉस में जा रही है, राइट? तो लॉस में जा रही है ना, तो उसने पिछले 2 सालों से कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी उसने फाइल नहीं करी है। उससे लगा कि मैं तो लॉस में जा रही हूँ, मैं तो लॉस मेकिंग हूँ, तो मैं क्यों एनुअल रिटर्न फाइल करूँ, क्यों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करूँ, ऐसा 2 साल तक हो गया। तो ROC को लगा कि ये कंपनी 2 साल से कुछ फाइल नहीं कर रही, तो ROC ने क्या किया, इस LLP को डोरमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, एक्टिव से हटा दिया। बाद में तीसरे साल जब ये LLP फाइल करने लगी, देन उसे रियलाइज हुआ कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो डोरमेंट में आ गई। फिर वो ROC के पास गई, उसने रिक्वेस्ट किया कि ROC मुझे एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दो। इन दैट केस फिर ROC ने उसे वापस से रिवाइव किया गया और उन्हें अपने एनुअल रिटर्न्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करने पड़े। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आता है LLP जो लॉस मेकिंग है क्या उसे फाइल करना है, यस इन एनी केस कंपल्सरी आपको यह एनुअल फॉर्म्स को फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बोलता है आपसे कोई गलती हो गई है तो आप जाके अपने ऑफेंस को कंपाउंड करा रहे हो आगे से। ये पावर दे रखी है RD को और कोई और ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है वो ऑफेंस को कंपाउंड करा सकते हैं। बट ध्यान रहे ऑफेंस का जो पनिशमेंट होगा, आपने जो गलती करी उस ऑफेंस का पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन होना चाहिए। अगर इम्प्रिजनमेंट है तो फिर वो कंपाउंड नहीं हो सकता है। उस सस्पेक्टेड पर्सन से आप एक सम ले लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन जितना था वो, उससे आप कम ऐसा नहीं ले सकते हो, ये कहता है आपका कंपाउंडिंग का प्रोविजन। आप खुद से जाके अपना ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकते हो। ये ओल्ड सिलेबस में नहीं है कंपाउंडिंग, तो इट इज ओके अगर आप नहीं पढ़ते हो। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर LLP। थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा। और पूरे नोट्स ले लियो और उसके एंड में जो जो भी की पॉइंट्स है आप उन्हें मेंशन करते जाओ ताकि एंड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल चैप्टर LLP। मिलती हूँ आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खूब खूब अच्छे से पढ़ो, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। दिस इज मेहंदी तोष निवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।